सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिहार राज्य के समस्तीपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और मामला सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपका भी खून खौल उठेगा, क्योंकि ये उस बेबस और लाचार माँ बाप की बेबसी का वीडियो है जो सरकारी अमले के सामने अपने जवान बेटे का शव लेने के लिए गली गली भीख मांग रहा है। खबरों के मुताबिक यह वीडियो समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के आहार कस्बे का है, जहां पर 25 वर्षीय महेश ठाकुर, जो कि मानसिक रूप से कमजोर था और 25 मई से लापता था। महेश के परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उन्हें उसका पता कहीं नहीं लगा। 7 जून को उन्हें जानकारी मिली कि मुसरीघारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। परिजन बिना वक्त बर्बाद किए मुसरीघारी थाना पहुंच गए। थाने से उन्हें अस्पताल भेज दिया गया और कहा गया कि पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में होगा। जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां कर्मचारी ने शव दिखाने से इनकार कर दिया। हालांकि परिजनों की विनती के बाद कर्मचारी ने शव को दिखाया तो मगर देने से इनकार कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक जब पिता ने कर्मचारी से शव सौंपने की बात कही तो उसने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। बता दें कि सिस्टम का थप्पड़ खाने के बाद लाचार माता पिता पैसों का जुगाड़ करने के लिए निकल पड़े। कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया। अंत में बुजुर्ग माँ बाप ने भीख मांगने का फैसला लिया। अब वो गली गली भीख मांग रहे हैं ताकि उनके बेटे का पोस्टमार्टम हो सके और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शव मिल सके। टीम लोकल वोकल।